हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप माय फूडी पीपल, दिस इज मी हिरा विद वेयर इज द फूड। और आज मैं आप लोगों को कहाँ लेके आया हूँ, पहले तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बड़ी दुखी दास्तान है मेरी कि मैं निकली थी कोई मज़ेदार सा बन कबाब ढूंढने के लिए, बिकॉज आई वाज क्रेविंग फॉर इट। पर हुआ ये कि हम पहुँचे नासाबाद और वहाँ पे जो है एक आउटलेट है, उसने हमें वीलॉग करने से मना कर दिया। तो आपकी बहन ने बर्गर भी नहीं खाया और वीलॉग भी नहीं किया, क्योंकि यार जब मैं खाती हूँ ना तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, ताकि आप लोग भी ना नेक्स्ट टाइम अगर क्रेविंग होना तो उस जगह पे आ जाएं। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे एक कोलीग ने रिकमेंड किया कि यार यहाँ पीपल स्क्वायर है, इधर जो है बर्गर काफ़ी मज़े का मिलता है, बन कबाब है बेसिकली यहाँ पे, और बहुत ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। देखें आप जरा, बहुत 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 लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, तो चल के इसको करते हैं एक्सप्लोर आपके लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो। बन कबाब वाले का नाम है शहजाद, बन कबाब वाले भाई भाई मैंने खुद लगाया है। और ये जो जगह है ये है पीपल्स चौरंगी, और इसके बिल्कुल उल्टे हाथ पे ही आपको ये बन कबाब यहाँ पे मिलेगा। इंतहा का रश है, इंतहा का शोर है इस जगह पे, काफ़ी खासा हैपनिंग सी स्ट्रीट है ये, मैंने पहली बार डिस्कवर की है एंड थैंक्स टू माई कोलीग जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और तो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या रश हो रहा है यहाँ पे, कि खड़े होने की जगह नहीं है इसलिए मैं इधर हूँ। ये है रश यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमने अपना ऑर्डर पहले से दे दिया है, मैंने ऑफ कैमरा अपना ऑर्डर पहले से दे दिया था, बिकॉज रश में खड़ा नहीं हो सकता इंसान कोई भी यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, मैं अंदर जाके खाऊंगी और आपको बताऊँगी कि यार आखिर दूर दूर से लोग इस बर्गर को खाने आते क्यों हैं, और ये पीपल्स चौरंगी का यानी बफर जोन का इतना मज़ेदार बर्गर है क्यों। So I guess without any further delay, let's go. Wait, ये वीडियो देखकर लग रही है ना बहुत ज़्यादा भूख? I got you covered. Seriously, मेरे पास है सोल्यूशन आपके hangry emotions का। मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए appu.pk, a user friendly website जहाँ आपको मिलेंगे आपके सारे के सारे favorite food outlets. और वहां पे अपने फेवरेट फूड आइटम को करो सेलेक्ट। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, वहां है मेन्यू प्राइसेस पे नो हिडन चार्जेस, यू नो व्हाट आई मीन। तो फिर देरी किस बात की है, क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन और अपना खाना खुद मंगवाओ। अच्छा मैं एक और बात बता चलूँ, इतना ज्यादा यहाँ पे रश हो रहा है, और जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है इनको हर बर्गर से पता है क्या चीज़ अलग करती है, इनकी चटनी है। क्योंकि यार बन कबाब जो बनता है ना, बन कबाब बनता है मज़ेदार ऑथेंटिक चटनी से, और यहाँ ये कोई केचप, कोई मेयोनीज कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे होते, कोई कोल्सलो यूज़ नहीं कर रहे होते, कोई रेलिश यूज़ नहीं कर रहे होते। एक चीज़ है इनकी और जो इनको डिफर करती है वो है इनकी मज़ेदार सी चटनी, और इनकी प्राइसिंग काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। 80 वाला वही अंडा शामी बर्गर जो होता है, और 60 रुपये वाला इनका नॉर्मल बर्गर है। और ये सारे बच्चे मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई एलियन इन्होंने देख लिया है। ये रहा मेरा मज़ेदार सबर गए, और भाई इसको क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है, कहा था ना कि बहन ने, इट इज़ दिस इमली की चटनी विच लुक्स वेरी वेरी स्पाइसी आई शुड से, और साथ में उन्होंने मुझे जो है वो दही का थोड़ा सा रायता भी दिया है। अच्छा बर्गर की लेयरिंग, ओ हो क्या क्रिस्पी इस वक्त बन हो रहा है, ये इसकी लेयर है, क्रिस्पी 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 बन हो रहा है इस वक्त, एंड ओ माई गॉड लेयर इसकी बड़ी मज़ेदार हो रही है। अच्छा जी यहाँ पे इन्होंने चटनी लगाई है वही सेम इमली वाली, थोड़ी सी प्याज है, और साथ में जो है ना इन्होंने इधर कर दिया है शामी कबाब को स्प्रेड, और ये फुल फ्राई कर रहे हैं देसी घी के अंदर इसको, बड़ा ही कोई लोडेड मज़ेदार किस्म का है, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है ना कि बस। सो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डिले आई शुड टेस्ट इट, और मैं जो हूँ अपना वर्डिक्ट दूँ कि यार लोग दूर दूर से खाने के लिए आ रहे हैं, इतना रश हो रहा है यहाँ पे, और क्या कहा जाए, इज इट द बेस्ट बर्गर एवर, लेट्स फिगर इट आउट। मैंने चटनी में कर लिया है इसको डिप, और अब करते हैं टेस्ट, बिस्मिल्लाह। इज द चटनी, ओए होए वाह, इतना देख लिया, इतना देख लिया।
यार सारे पैसे इस चटनी के हैं, सारे पैसे इस चटनी के। ओह वाओ, दिस इज गुड। मैं इसको सादा भी खा के देखती हूँ। क्रंची आवाज़ आ रही है, इतना इन्होंने क्रंची इसको बर्गर को रखा हुआ है, क्रंच की आवाज़ आ रही थी ना, तो इसको इस तरह इन्होंने सेका है कि यार इसकी जो ऊपर की पूरी लेयर है ना वो इतनी क्रंची और इतनी मज़ेदार हो गई है। लिटरली मेरा दिल कह रहा है मज़ेदार, मैं कह रही हूँ ये मज़ेदार सब बर्गर इंजॉय। और आपसे मुलाकात होती है और वूडी से वेंचर पे। दिस इज मी हेरा साइनिंग ऑन फ्रॉम वेयर इज द फूड। खुदा हाफिज़।